दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का वक्त शेष है, लिहाजा सूबे की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने तरीके से तैयारियां तेज कर दी हैं। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर से बड़ा दाव खेला है। खबरी लाल का कहना है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बीजेपी के लिए अति सुरक्षित माने जाने वाली 66 विधानसभा सीटों का प्रभार सौंपा है। इसके तहत दिग्विजय सिंह पर इन सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। खास बात यह है कि इन 66 सीटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी भी शामिल है। इसके अलावा शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया, रेहटी से गोपाल भार्गव, खुड़ी से भूपेंद्र सिंह और दत्तीगांव से राजवर्धन सिंह जैसे मंत्रियों की सीट भी है। कहा यह भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अपनी चुनावी रणनीति के तहत गुर्जर समाज को रिझाने के लिए भी कई तरह के चुनावी परिक्रमा आने वाले दिनों में करेंगे। मध्य प्रदेश की करीब 12 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज निर्णायक स्थिति में रहता है। दिग्विजय सिंह की इस पर पैनी नजर है। बहरहाल देखना बड़ा रोमांचक होगा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह अगर यह 66 सीटों पर कुछ करिश्मा कर पाते हैं तो बाजी पलट के कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा से आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।